सन 1924 में अमेरिकी सेना के चार विमानों सिएटल, शिकागो, बॉस्टन और न्यू ऑर्लियंस ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। हवाई रास्ते से दुनिया का चक्कर लगाने की यह पहली कोशिश थी। इस सफर को पूरा करने में विमानों को 175 दिन लगे थे। आज ही के दिन सन 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का समापन किया था। इसी वर्ष 12 मार्च को दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। 24 दिन में 340 किलोमीटर की यात्रा तय कर दांडी में नमक सत्याग्रह को गांधी जी ने तोड़ा था। नमक सत्याग्रह के दौरान 80,000 भारतीयों को जेल में डाल दिया गया था। सन 1931 में आज ही के दिन बांग्ला फिल्म की मशहूर अभिनेत्री सुचित्रा सेन का जन्म हुआ था। अपने फिल्मी करियर में सुचित्रा ने 60 फिल्मों में काम किया, जिनमें से 30 फिल्मों में अभिनेता उत्तम कुमार के साथ काम किया। सन 1972 में सुचित्रा सेन को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। सन 1994 में आज ही के दिन अफ्रीका में कबीलों की हिंसा से जूझ रहे दो छोटे छोटे देश रवांडा बुरुंडी के राष्ट्रपतियों की विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी। रवांडा और बुरुंडी में हुत्तू और तुत्सी कबीलों के लोगों के बीच खूनी रंजिश का इतिहास बरसों से चला आ रहा था और इसी संबंध में दोनों देशों के राष्ट्रपति बातचीत के लिए एक साथ तंजानिया की बैठक में शामिल हुए थे और वहां से लौटने के दौरान ये घटना हो गई। और आज के दिन सन 1997 में नासा ने कोलंबिया अंतरिक्ष यान को जमीन पर वापस आने की घोषणा की थी। नासा के अनुसार यान की ईंधन इकाई में कुछ समस्याएं थीं, जिसकी वजह से इसे जल्दी वापस बुलाने का फैसला किया गया था।